दोस्तों, गाय भैंस और हमारे जो पशु हैं उनको हीट में सही समय में लाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो हमें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सॉलिड फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसको बना करके आप अपने पशु को जो है सही समय पर हीट पे ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, इसके लिए हमको लेना है गुड़। गुड़ इस तरीके की चक्की में आता है, आप पूरे चक्की ले सकते हैं ताकि जो है आपको आगे आने वाले 7 से 8 दिन तक ये उपयोग में आ सके। दोस्तों, गुड़ जो होता है तासीर में गर्म होता है, इसको खिलाने से जो है पशु के शरीर में गर्मी पैदा होती है और हीट में आने में उसे सहायता मिलती है। दोस्तों, गुड़ में इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो ये गुड़ जो है बहुत ही गुणकारी है हीट में लाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए हमें जो है 100 ग्राम की मात्रा लेनी है गुड़ की, ताकि जो है उतनी मात्रा हम अच्छे तरीके से रोटी में फैला सकें। इसके अलावा दोस्तों हमको ये लेना है लहसुन। लहसुन जो होता है दोस्तों वो भी बहुत गर्मी प्रदान करता है, इसके लिए हमको 3 से 5 जो कलियां हैं लहसुन की वो इस्तेमाल करना है। और इसके साथ जो है लहसुन जो होता है वो एंटीबायोटिक भी होता है जो पेट के कीड़ों को मारने का भी कार्य करता है। अगला जो हमको लेना है दोस्तों वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप किसी भी सरसों का तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर सरसों का तेल उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, ये सरसों का तेल भी जो होता है तासीर में गर्म होता है और ये भी जो होता है अपने गुणों से भरपूर होता है, जिससे जो है ये पशु को जो है हीट में लाने में बहुत ही सहायक होता है। अब हमको करना ये है दोस्तों कि जो 3 से 5 जो कलियां लहसुन की हैं उसे अच्छे तरीके से छील करके जो है किसी भी प्रकार की कुटनी में कूट सकते हैं। कूटने की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों ताकि जो है हम इसे समान मात्रा में पूरी रोटी में अच्छे तरीके से फैला सकें। तो इसे कूट करके दोस्तों आप रोटी में अच्छे तरीके से फैला सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें करना ये है दोस्तों कि एक रोटी लेनी है। आप किसी भी तरीके से ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रोटी उपयोग में ला रहा हूँ दोस्तों। तो रोटी में जो है सरसों का तेल 25 ml सरसों का तेल हमें अच्छे तरीके से डाल करके फैला लेना है और पूरे रोटी में फैला लेना है दोस्तों, ताकि जो है इसकी एक समान मात्रा जो है सभी तरफ फैल सके। दोस्तों, लहसुन जो होता है यह दूध में कई बार जो है गंध आती है दोस्तों लहसुन की, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए हमें करना यह है कि हम 50-50 ग्राम जो है दिन में 2 बार जो है पशु को मीठा सोडा खिला सकते हैं, और इससे जो है हम जो है जो लहसुन की गंध जो दूध में आ जाएगी इससे जो है हम कम कर सकते हैं। इसके बाद जो गुड़ है दोस्तों 100 ग्राम गुड़ को हमको रोटी में रखना है, और साथ ही जो है जो लहसुन है उसको भी रखना है। 3 से 5 के लिए लहसुन जो हमने कूट के रखी थी उसे भी रखना है, और रोटी को जो है इस तरीके से लपेट देना है दोस्तों, ताकि जो है लहसुन की गंध जो है सीधे जो है पशु को न मिल पाए और गुड़ के स्वाद के कारण से जो पशु है इसे आसानी से खा भी लेगा। तो दोस्तों, ये जो रोटी है अब एक डोज ये तैयार हो गया है पशु के लिए दोस्तों। इसे प्रतिदिन 1 बार देना है आपको पशु को, और लगभग 7 से 8 दिन तक हमें पशु को खिलाना है दोस्तों, जिससे जो है पशु आसानी से हीट में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक सावधानी ये है कि ये जो मैंने आपको जो तरीका बताया है हीट में लाने का जो है, इसको कभी भी जो है किसी भी गाभिन पशु और जो पहले से हीट में भी है दोस्तों उसे जो है ये दवाई नहीं देना है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में, और ऐसी जानकारियों के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी जानकारी अब तक पहुंचा सकें।